नमः सिद्धेभ्यः जय मंगल भूदाणम विमलाणम राणदंसन मयाणम तैलोय सेहडाणम णमो सया सबशेथाणम आर्यावर्त विशुद्ध देश जिनका जात्यादिवंसाधिवी है योगत्रय शुद्धता विमलता संस्कार भासा सभी मेरे मंगलकार हो गुरु सदा हे देवता दर्श दो चर्याचार विशुद्ध सागर सदा जीवंत आदर्श हो चर्याचार विशुद्ध सागर सदा जीवंत आदर्श हो चर्याचार विशुद्ध सागर सदा जीवंत आदर्श हो नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अच्छायारम नमो लोए सब्बसाहूणम देवादि 1008 श्री आदिनाथ भगवान की देवादि 1008 मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की देवादि 1000 अंतिम तीर्थ श्री भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान श्री कुंदकुंद स्वामी की परम पूज गणाचार्य 108 आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज संयम पुरुषोत्तम युग पुरुष आचार्य भगवान चर्या सरुमणि श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा मय विश्व धर्म की बोली परम पूज्य मुनि प्रणव सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की। गुरु ने दिया मुझे ऐसा नाम, गुरु ने दिया मुझे ऐसा नाम जिसने बना दिए मेरे सारे काम। ऐसे ऐसे श्री गुरु के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम जिन्होंने दिया मुझे प्रणव सागर नाम। आप सभी बड़ौत बालों का पुण्य सराहनीय है, प्रशंसनीय है। क्यों क्यों कम से कम आज तो इतने सारे लोग आए हैं। आचार्य से परमात्म प्रकाश सुनाते हैं, सुबह से भी प्रवचन सुनाते हैं, 50-100 लोग, शाम को 25 लोग। तो चलो ठीक है, ठीक है। गुरु भक्ति यहाँ कूट कूट के भरी हुई है, तभी तो दीक्षार्थियों की दीक्षा की अनुमोदना करने इतने सारे लोग यहाँ आए। तो हम तो आचार्य से ये कहते हैं कि चतुर्मास में हर रोज दीक्षा दो और इतने सारे लोग रोज आए। कम से कम दीक्षा के लिए। और अभी तक का ऐसा पिछला रिकॉर्ड रहा है, जहां जहां आचार्य श्री गए हैं, जहां जहां चतुर्मास किए हैं, वहां वहां से दीक्षार्थी हुए हैं। तो अब बड़ौत बालों का नंबर कहाँ है भैया? सोम सागर जी आपकी पार्टी, जयंत सागर जी, अभी सारस सागर जी, तो लिस्ट ही खत्म नहीं हो रही थी। कितने नाम दिखते जा रहे। तो भैया जितने भी नमोस्तु शासन संघ के हैं लड़के बोल रहे थे महाराज जी शादी हो जाए फिर देखेंगे। अरे शादी के बाद क्या देखोगे, बर्बादी ही देखोगे। और बर्बादी से बचना है तो यहाँ आ जाओ और हम जैसे दोनों हाथों से लड्डू रबड़ी खाओ। तो अब सुनाते हैं कहानी उस बालक की जो प्रतिदिन मंदिर जाना, प्रतिदिन अभिषेक करना, प्रतिदिन भगवान की पूजा करना, जब जब नगर में मुनिराज आए दौड़ दौड़ के उनकी सेवा करना, व्यय वृद्धि करना, उनको आहार देना, उनकी सेवा में तत्पर रहना,
ये सब नहीं करता था। और तो और मुनि महाराज माताजी दिख जाएं तो देख के छुप जाता था, जैसे यहां के लोग छुप जाते हैं ना कि भैया नियम नहीं दे दें, अनुत्तर सागर जी के पास आहार देने नहीं जाते, वो आलू का त्याग करा देते हैं, राखी नहीं मान रहे थे उनके पिछी में, आलू का त्याग दे रहे थे। तो ऐसे ही कुछ हालत हमारी थी, 27 वर्ष तक कभी भी धर्म के स्वरूप को नहीं जाना, और मंदिर भी जाते थे इसलिए, क्यों? क्योंकि मम्मी खाना नहीं देती थी, बोले थे पहले मंदिर जाओ तब देंगे, इसलिए जाते थे, और कुछ नहीं आता था, मात्र ढमोकार मंत्र और ऐसो पंचढमोकार, इसके अलावा कुछ नहीं, चत्तारी मंगलम, बस गए भगवान को नमोस्तु किया, हेलो हाय हाउ आर यू, बस इतने ही में। हमको तो ये भी नहीं पता था कि माता जी को बंदामी बोलते हैं, चुल्लक जी को इच्छाएं बोलते हैं, कोई माता जी आ जाए तो पूछते थे भैया क्या बोलना है इनको। तो ऐसी हालत थी, लेकिन 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 जैसे ही गुरु चरण मिले सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। पहले बैठते थे नीचे, अब आसन ऊपर आ गया। तो आप सब भी ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसे ही पुरुषार्थ करो, ऐसे ही पुरुषार्थ करो। सौरभ भाई, नेता बनने में कुछ नहीं रखा है, मोक्ष मार्ग के नेता बनो, मोक्ष मार्ग के नेता बनो। अमित भाई, बच्चे को कब तक गाथाएं सिखाओगे, खुद भी एक बार गाथा बन जाओ जिससे लोग तुम पे भी गाथाएं लिख दें। तो ये गुरु चरण है, ये गुरु चरण है। कोई भी क्षेत्र महान नहीं होता, कोई भी देश महान नहीं होता, कोई प्रदेश महान नहीं होता, जहां जहां महान व्यक्तियों के चरण पड़ जाते हैं वह क्षेत्र अपने आप महान हो जाता है। जहां तीर्थंकरों के चरण पड़ जाते हैं वह स्वयं में तीर्थ बन जाते हैं, और आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरु के चरण जहां पड़ जाते हैं वह पंचम काल में भी तीर्थ बन जाते हैं। आज आपका यह बड़ौत नगर जाटों की नगरी, और यहाँ की एक खास बात है, एक खास बात है, बड़ौत नगर की ये शान है, हर घड़ी में एक सांड है। जहां पे भी जाओ, जिस गली में भी मुड़ जाओ, क्या दिखता है? एक सांड दिखता है। छत पे जाओ तो डर लगता है, क्यों? कहीं बंधन ना आ जाए। और आहार में जब जाओ किसी घर में, सबसे पहले कुत्ते बाहर निकलते हैं वहां। तो ये बड़ौत नगर के कितने महान व्यक्ति हैं, जिन्हों प्राणी मात्र से कितनी प्रीति है इनको, कि हर प्रीति को, हर प्राणी को स्थान देते हैं, इंसानों को नहीं, सांड बंदर और कुत्तों को। तो ये आपका नगर अब नगर नहीं रहा, क्या बन गया है? कहाँ बन गया है? ये तीर्थ बन गया है, क्योंकि ऐसे गुरु यहां आए हैं। तो गुरु चरणों के दर्शन हुए कब? 2 फरवरी 2011 को प्रथम बार अपनी पूरी जीवन में, पूरी लाइफ में किसी के हमने पूरे प्रवचन सुने तो आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के सुने, और वो एक दर्जन, एक दर्श, एक दिन के प्रवचन आप दर्शन में बदल गए। इन मोटे मोटे ग्रंथों की रचना हमारे निर्गंतों ने की है, ग्रंथों की रचना निर्गंतों ने की है, और उन निर्गंतों ने ही पुनः ग्रंथ दिए हैं, और ग्रंथों से पुनः आज ये इतने निर्गंत बने हैं। उन्हीं एक ग्रंथ लिखने वाले निर्गंत ने मुझे भी एक ग्रंथ दिया, जिस ग्रंथ को पढ़ के मेरी सारी ग्रंथियां खुल गईं और निर्गंत आके आज यहां बैठ गया। तो आप भी, आपसे भी यही कहना है कि यदि कोई निर्गंत गुरु आपको ग्रंथ दें, अमित भैया, वकील साहब, जितने भी बड़ौत के, जितने भी बाहर से लोग आए हैं, नागपुर से आए हैं, आदिश भाई जर्मनी से आया है, तो जितने भी लोग बाहर से आए हैं, जब कोई निर्गंत गुरु ग्रंथ को दे तो इन ग्रंथों को हाथ में लेते रहना, हाथ में लेते रहना, और विश्वास करना इन ग्रंथों को हाथ में लेते रहे तो वह दिन भी आएगा कि आप भी निर्ग्रंथ हो जाओगे। और निर्ग्रंथ हो गए और एक बार भावलिंगी निर्गंत हो गए, हम सभी भावलिंगी हैं, है कि नहीं? हैं आचार्य जी?
तो एक बार भाव लिखी निर्ग्रंथ हो गए तो वह दिन दूर नहीं जब आप भी अरहंत हो जाओगे। तो अरहंत बनना है तो निर्ग्रंथों के चरणों में आओ, ग्रंथों को हृदय में धारण करो, हृदय में धारण करो। तो वही ऐसे ही गुरु चरण हमें मिल गए तो हम बच गए तो यहाँ सज गए, नहीं तो हमें भी सजा दिया जाता और हमें भी सजा दी जाती। जैसे आप लोगों को सजा मिल रही है ना, शादी के दिन क्या हुआ था, डॉक्टर साहब आपके साथ क्या हुआ था, दूल्हे के लिए दुल्हन को सजा दिया था और दूल्हे को सजा दी थी, ठीक ही नहीं। तो जब से प्राचार्य जी मांग भरी है तब से मांगे पूरी कर रहे हो, जब से मांग भरी है मांगे पूरी कर रहे हो और जीवन बीत जाएगा तब भी अमित भैया ये मांग पूरी नहीं कर पाओगे। इन मांगों को छोड़ के यहाँ पे आ जाओ और एक बार बस केस लॉन्च करा लो, फिर तो बस इस संसार से निकलने में देर नहीं लगे। तो गुरु चरण मिले और सारा संसार ही बदल गया। तभी से बस प्रण ले लिया, अब तो बस कहीं नहीं जाना, इन्हीं गुरु चरणों में आना। क्योंकि हर खुशी दिल के करीब नहीं होती, ज्ञानचंद जी, हर खुशी दिल के करीब नहीं होती, जिंदगी कभी गमों से दूर नहीं मिली, गुरु का हाथ मिले बड़ौत निवासियों तो साथ मत छोड़ना, गुरु का हाथ मिले तो साथ मत छोड़ना। क्योंकि हर किसी को गुरु मिले, हर किसी की जिंदगी इतनी खुशनसीब नहीं होती। बहुत पुण्यशाली हैं, आचार्य श्री तो हैं महापुण्यशाली, भविष्य में होने वाले तीर्थंकर कामदेव चक्रवर्ती बनेंगे आचार्य श्री, 96,000 होती है ना। तो लेकिन हमारे आचार्य श्री को तो बाल ब्रह्मचारी बनना पसंद है, लोकांतिक देव, लेकिन तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी होते नहीं है ना। वो तो ये हुंडाप्सुड़ी काल का प्रभाव है कि यहाँ 5 बाल यति हुए हैं, आगे पूरे 24 तीर्थंकरों के विवाह होते हैं। तो ऐसे तीर्थंकर भावी सिद्ध मिले तो उनके कभी चरणों को मत छोड़ देना, उनके जैसे आचरण करना, तभी आप यहाँ से दुखों से छूट पाओगे। तो वही चरण मिल गए और एक दिन का दर्शन आत्मदर्शन में बदल गया और गुरु चरणों में जाके इस मस्तक को समर्पित कर दिया कि अब तो बस आप ही हमारी नौका के तारणहारे हैं। और गुरु ने सहज ही आशीर्वाद दे दिया, ठीक है जाओ, उपकार है, उपकारी के उपकार मानने का आज दिन है, उन घर परिवार वालों का, उन माता पिताओं का भी उपकार है जिन्होंने जन्म दिया और संस्कार दिए और सहज ही स्वीकृति भी दे दी, ठीक है जाओ अपना कल्याण कर लो, उनका भी उपकार है। तो ऐसे गुरुचरण मिले तो भक्तचंद जी पड़े रहना गुरु चरणों में, निहाल चंद जी आकुलता मत करो, परो रहो गुरु दरबार में, कभी तुम्हारा टाइम भी आएगा, भाव करते रहो, आकुलता मत करो। हमने भी कोई आकुलता नहीं की थी, 27 वर्ष लगाए, उसके बाद 2 वर्ष तक आचार्य जी के चरणों में रहे, फिर सहज ही नियोग आ गया, काल लब्धि आएगी तो आपकी भी दीक्षा हो जाएगी। क्यों होते हो परेशान आत्मन जी, ना हो परेशान, ना किसी को करो परेशान, सदा चेहरे पे रहो मुस्कान, आएगा आपका भी, आपकी भी बारी आएगी। तो ऐसे गुरु चरण मिले और 6 अक्टूबर 2013 को वह दिन आया कि हम भी वस्त्रों को त्याग कर निर्वस्त होके निर्ग्रंथ बन गए। हमारे साथ 5 मुनिराज और
हमारे अग्रज प्रेणे सागर जी, इनसे तो आप परिचित हैं ही, जानते ही हैं आप, अभिषेक करो। कहाँ गए नमस्तु शासन संघ, अभिषेक करो, है ना। तो इसके बाद प्रेणी सागर जी, वो भी महान ग्रंथों को रचते रहते हैं इंग्लिश में। आचार्य श्री पूरा प्रवचन हिंदी में ख़त्म नहीं कर पाते, उससे पहले वो इंग्लिश कर देते हैं उसकी। उसके बाद हम जानते ही हो कोई काम के नहीं बैठे रहते हैं, सब यहाँ तो सब पढ़े लिखे हैं, सभी पढ़े लिखे हैं। कोई बीए है, कोई सीए है, कोई बीटेक है, कोई एमटेक है, कोई रामटेक है, और हम हैं अंगूठा टेक, कुछ आता नहीं। कोई साहित्याचार, कोई संस्कृताचार, कोई जी हमारे सारस्वत सागर जी 20 साल की उम्र में न्यायाचार बन गए, और हम अभी तक आम के अचार भी नहीं बन पाए। तो फिर भी इन महान महान संतों के संत में रहते 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 गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, और गुड़ पे धूल लगी हो तो वो भी गुड़ के भाव बिक जाता है। तो ऐसे ही हम भी इनके साथ रहते रहते संसार से पार हो जाएंगे। गुरु चरणों में रहना है तो बस गुरु चरणों में यही कहना है कि रस दिया वस्तुत महाकाव आपने, धन हुई दया पूरी। रस दिया वस्तुत महाकाव आपने, धन हुई दया पूरी। रस्ते रस्ते ग्रंथ बने आप निर्ग्रंथ, रस्ते रस्ते ग्रंथ बने आप अरहंत, यही भावना मेरी। समो शरण में गणधन बन, समो शरण में गणधन बन, सुनू मैं देश ना तेरी, दोनों साथ में हो सिद्ध, प्रभु से प्रार्थना मेरी। तो ऐसे हमारे फिर हमारे बाद नंबर आया प्रणत सागर जी का, जो अभी उज्जैन नगर में है। हाइट कम फाइट ज्यादा, हाइट उनकी बहुत कम है, लेकिन निरंतर व्रत करते हैं, और हमारे संग में हमारे ग्रुप में जो नागपुर है सबसे ज़्यादा अंतराय उनके हुए, लेकिन फिर भी अपनी चर्या में नित रहते हैं, सटावश्यक में लगे रहते हैं, और अभी जिन धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। उसके बाद प्रणु सागर जी जो बड़ौदना नगर में हैं, वही वृत्ति में अगर किसी का नाम है तो वो है प्रणु सागर जी। निर्विचिकित्सा अंग का अगर उत्कृष्ट उदाहरण है तो वह हैं प्रणु सागर जी। और तो और आचार्य श्री का नाम है तो प्रणु सागर जी। तो ऐसे हमारे पांच, हम पांच भाइयों की आज के ही दिन नागपुर में नगरी में दीक्षा हुई थी। उसके बाद उसी 6 अक्टूबर की तिथि, महान 6 अक्टूबर तो महान है, महान महान लोग बनते हैं इस दिन। तो उस दिन 2017 में ये सोम सागर जी आदियों की, इनकी भी 8 मुनिराजों की दीक्षा हुई थी। तो आज के दिन बस आचार्य श्री के चरणों में कुछ थोड़ी देर हो, आचार्य श्री नहीं बस थोड़ी हो, आचार्य श्री के चरण मनोग भावना नितदिन भाते, मनोग भावना नितदिन भाते, प्रसम भाव में सदा लीन रहते। मनोग भावना नितदिन भाते, प्रसम भाव में सदा लीन रखते, प्रभु की भक्ति से सुप्रभ करते, अपने सुब्रत में सदा दृढ़ रहते। जिन शासन का सुयस फैलाकर, जगत के प्रश्नों से अनुत्तर होकर, अनुपम कृति रचते रहते, कर्म अरि पर अर्जित होने, अज्ञान अंधकार को दूर करने, जिनागम के आदित्य से अप्रमित ज्ञान की आराधना करते, आस्तिक गुण से परिपूर्ण शुद्धात्म तत्व के आराध्य रहते, प्रेरणे जैसी सरलता जिनमें, प्रेरणे जैसी सरलता जिनमें, आचार प्रेरित ग्रंथ पढ़ते रहते, प्रणो प्रणुत सदा प्रणत रहते, सर्वार सिद्धि के हैं जेता, मोक्ष मार्ग के हैं नेता, साम भाव में लीन सदा, सहज दृष्टि के धारी, समत सदैव पूजा करते, देखती रहती दुनिया सारी। साध प्राप्ति का संकल्प महान, सोम वाणी सारस्वसी बाल मुस्कान, समस्त जीवों में सद्भाव रखते, संजयंत संयत जिनके गुण के साक्ष रहते, यशोधर को नित समझाते, यतीन्द्र को मोक्ष मार्ग बतलाते, जिनमें हैं अरहंत के योग गुण सारे, जिनके हैं सम्यक यतन सारे, अरहंत बनने निर्गंत बने, मोही नहीं निर्मोह हैं फिर भी मोहित कर देते हैं,
निर्मोही मोही नहीं, निर्मोह हैं फिर भी मोहित कर देते हैं। एक बार जो संग में आता उसे निसंग कर देते हैं। विषयों से हैं निर्वृत्त, जिनवाणी में हैं आसक्त। विषयों से हैं निर्वृत्त, जिनवाणी में हैं आसक्त। सारे विकल्पों से हैं निर्विकल्प, हैं हमारे आचार कल्प। जैन्द्र ने है जाना, जितेंद्र ने है माना। जैन्द्र ने है जाना, जितेंद्र ने है माना। जयंत ने पहचाना, इनके जैसे सुभक्ता को है पाना। गुण हैं इनमें बहुत सारे, और गुरु विराग के हैं आँखों के तारे। ऐसे हैं श्री गुरु विशुद्ध सागर हमारे, और हम ही हैं इनके सहारे। जैसे 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 चावल में दूध मिलने से खीर बनती है, जैसे चावल में खीर बनने से दूध मिलने से खीर बनती है, ऐसे ही गुरु चरणों में झुकने से शिष्य की तकदीर बनती है। गुरुवर बस, गुरुवर बस, बस यही कहना है, तुमने तो लाखों की तकदीर संवारी है, अब इस अभूत बालक से कह दो अब तेरी बारी है। आचार्य श्री के चरणों में नमन करते हुए बस। गुरु माते पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। गुरु माते पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तुम ही भक्ति हो मेरी शक्ति हो, तुम ही भक्ति हो मेरी शक्ति हो, तुम ही मुक्ति हो मेरे आदि शिवा। गुरु माते पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। बस गुरु चरणों में 10 वर्ष हो गए हैं, जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। जितने मुरियाज हैं उन सबसे क्षमा चाहते हैं सब।